दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने यहां पे हरा दिया है न्यूजीलैंड को 8 विकेट से। जी हां दोस्तों, भारतीय वुमेन टीम ने यहां पे बुरी तरीके से न्यूजीलैंड को हराया है सेमीफाइनल के मैच में और एक बार जीत का परचम यहां पे लहरा दिया और सेमीफाइनल में क्वालिफाई होकर यहाँ फाइनल में पहुँचने वाली पहली ऐसी टीम बन चुकी है टीम इंडिया, जो कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की परखच्चे पूरी तरीके से यहाँ पे उड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, गेंदबाजों ने आज पूरी तरीके से कहर बरपा दिया न्यूजीलैंड की टीम पे और ढेर कर दिया 108 रन पे न्यूजीलैंड के पूरी की पूरी टीम को। और उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आई भारतीय वुमेन्स कप की टीम की यहाँ पे दो खिलाड़ी, तो शुरुआती के 2 विकेट तो यहाँ गिरे, लेकिन फिर भी यहाँ पे टीम ने जीत हासिल कर ली। हालांकि इन दोनों ही ने मिलकर यहाँ पे गजब की साझेदारी की और गजब की आज यहाँ पे बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। दोस्तों आपको कैसी लग रही है ये खुशी भारतीय टीम की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस बार भी यहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने घर लेके आएगी। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या भारतीय टीम इस बार हमारे यहाँ की लड़कियाँ अपना नाम रोशन करेगी क्या अंडर 19 वर्ल्ड कप में, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आज न्यूजीलैंड ने की पूरी तरीके से यहाँ पे टीम इंडिया ने परखच्चे उड़ा दिए और 108 रन पे जब यहाँ पे न्यूजीलैंड आउट हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम भी यहाँ पे कुछ स्ट्रगल फेस करेगी, क्योंकि सब कह रहे थे यहाँ बॉलिंग पिच है और न्यूजीलैंड की बॉलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे टीम इंडिया ने असलियत दिखा दिया और उड़ा दिया यहाँ पे न्यूजीलैंड के पूरी तरीके से परखच्चे और उसके बाद यहाँ पे टीम इंडिया जीत चुकी है इस मुकाबले को और पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। अब दूसरी यहां पे कल की मैच होगी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। अब देखना दिलचस्प होगा इन दोनों में से कौन सी वो टीम होगी जो भारत को फाइनल में चुनौती देगी। हालांकि कोई भी टीम आ जाए, भारतीय टीम अपना वहां पे भी परचम लहराएगी और यहां पे खिताब को वर्ल्ड कप 2023 का खिताब घर लेके आएगी। सो दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।